नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आईपीएल 2021 के 14वें सीजन के 19वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई के लिए सुरेश रैना ने सिर्फ 18 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 1 चौका लगाया। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 133 का रहा। आपको बता दें, इस दौरान सुरेश रैना ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। सुरेश रैना अब आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में 200 छक्के पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए। इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, आईपीएल के इतिहास में 200 या उससे ज्यादा छक्के जमाने वाले सुरेश रैना 7वें बल्लेबाज हैं, वहीं 4थे भारतीय। रैना से पहले 200 से ज्यादा छक्के रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली जमा चुके हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अब तक 222 छक्के ठोके हैं। आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के जमाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 354 छक्के अभी तक अपने आईपीएल करियर में ठोके हैं। सुरेश रैना ने इस मामले में डेविड वॉर्नर को पीछे छोड़ा। वॉर्नर ने अब तक 199 छक्के आईपीएल में लगाए हैं। बता दें, रैना आरसीबी के खिलाफ मैच में 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में रैना ने 1 चौके और 3 छक्के ठोके। रैना की बल्लेबाजी की कमाल रही, भले ही वो केवल 24 रन ही बना पाए, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए 3 छक्कों ने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। सीएसके ने आरसीबी के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। डुप्लेसी ने 50 रन की पारी खेली थी और हर्षल पटेल की गेंद पर आउट हुए थे। रैना भी हर्षल पटेल की गेंद पर ही आउट हुए। आपको बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सीजन धमाकेदार खेल दिखा रही और लगातार 3 मैच जीतकर इस मुकाबले में खेलने उतरी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।